Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZECC 101. We have been learning about the Activize and Passivize. In the Activize and Passivize, we have learned the last tense of the Activize and Passivize. The name of the last tense was the future perfect tense. In the future perfect tense, we have learned the indirect passivize of the future perfect Now tense. we'll learn about the direct passivize of the future perfect tense. Let's see how is it used? Where is it used? Why is it used? What what स का, का सीख लिया था उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसका पैटर्न उसका मैथड क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस का डायरेक्ट पेसिवाइज आइए देखते हैं कि डायरेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है कहां पर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है कौन से मेथड्स कौन से पैटर्न और कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर सो लेट्स गेट स्टार्टेड ज़ैक इंग्लिश क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स so आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट पेसिवाइज आइए देखते हैं कि इसको क्यों इस्तेमाल 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 किया 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 जाता 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 है जाता है 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 पर कैसे कौन सी टेक्निक्स की जाती लेट्स ऑफ टेंस इज फ्यूचर टेंस का डायरेक्ट पेसिवाइज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इनडायरेक्ट डायरेक्ट पेसिवाइज हमने सीख लिया था आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट पेसिवाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम इसका डायरेक्ट पेसिवाइज पड़ेंगे आज का जो पैटर्न है हमारा वो है डायरेक्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस डायरेक्ट पेसिवाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं जब हमें काम के करने वाले का पता ना हो जब हम काम के करने वाले को हाइड करना चाहें

अच्छा, object, की थर्ड यही फॉर्म यहीं तक हमारा सेंटेक्स खत्म होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के का सेंटेक्स यहीं तक कंप्लीट होता है आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंसेस सेंटेंस नंबर वन

but we don't know the name of the pilot we don't recognize him that's why we have to use the peswise of <laughs> hoga

देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस नंबर थ्री है द नेक्स्ट इलेक्शन विल हैव बीन कौन जीत चुका होगा हमें जीतने वाले का पता नहीं है इसीलिए हमने डायरेक्ट पेसिवाइज

हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न है आइए देखते हैं कि इसका syntax क्या है व्हाट इज इट्स सेंटेक्स हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करेंगे उसके बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हैव बीन हैव बीन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहीं तक हमारा सेंटेक्स खत्म होता है आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस नंबर वन उसको रिहा नहीं किया जा चुका होगा कौन उससे रिहा नहीं करेगा हमें उसका पता नहीं है तो इसकी सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे ही विल नॉट ही विल नॉट हैव बीन फ्रीड उसे रिहा नहीं किया जा चुका होगा ही विल नॉट हैव बीन फ्रीड ओके दिस इज इन अस नंबर वन लेट्स सी व्हाट इज सेंटेंस नंबर टू सेंटेंस नंबर टू है महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा चुका होगा किसने कंट्रोल नहीं किया होगा हमें काम भी करने वाले का पता नहीं है इसीलिए हम डायरेक्ट पैसिव वाइज इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे है इन्फ्लेशन विल नॉट हैव बीन कंट्रोल्ड किसने कंट्रोल नहीं किया होगा हमें उसका नहीं है हमें उसका पता नहीं है इसीलिए हमने डायरेक्ट वाइज इस्तेमाल किया है आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर थ्री कैसे बनाया जाता है सेंटेंस नंबर थ्री है लोगों को बचाया नहीं जा चुका होगा नहीं बचाया होगा हमें उसका पता नहीं है तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे हम डायरेक्ट वाइज का पैटर्न इस्तेमाल करेंगे इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी लोगों को बचाया नहीं जा चुका होगा पीपल विल नॉट सेव्ड लोगों को बचाया नहीं जा चुका होगा दिस इज सेंटेंस नंबर थ्री सो द स्टूडेंट्स टुडेस टॉपिक्स नेम परफेक्टेंस नेगेटिव हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्टेंस का है कौन से पर्टर्न का नेगेटिव है हमारे तो, का आइए देखते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा हमारा टॉपिक क्या, क्या है इसका सेंटेक्स क्या है हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं

टू मेक द सेंटेक्स हम सबसे पहले हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे विल उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हैव बीन आफ्टर द हैव बीन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं सेंटेंस नंबर वन सेंटेंस नंबर वन है क्या उसको इतला दी जा चुकी होगी किसने इतला दी होगी हमें उसका पता नहीं है तो देखते हैं आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है क्या उसको इतला दी जा चुकी होगी विल ही है आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर टू कैसे बनाया जाता है लेट्स नंबर टू है टू है क्या किताबें जमा की जा चुकी होंगी हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इट्स वेरी इजी बहुत ही आसान है नंबर टू विल द बुक्स है कलेक्टेड दिस इज सेंटेंस नंबर टू आइए देखते हैं sentence number three इसका कैसे बनाया जाता है सेंटेंस नंबर थ्री समस्ती है क्या दुश्मन को शिक्ष दी जा चुकी होगी हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर कैसे करेंगे डिफिटल्टो द स्टूडेंट दिस इज दर्ड पार्ट ऑफ द डायरेक्ट पेसिवाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्टेंस डायरेक्ट पेसिवाइज फ्यूचर परफेक्टेंस का जो थर्ड पार्ट है इंट्रोगेटिव मेथड का

इस पैटर्न को हमने कैसे सीखा है हमने सेंटेक्स को फॉलो करते हुए इसको सीखा है हम सबसे पहले हेल्पिंग हेल्बियों इस्तेमाल करते हैं फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं फिर नॉट इस्तेमाल करते हैं फिर हैव बीन इस्तेमाल करते हैं फिर मैं की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे सेंटेंस नंबर वन है क्या शागिर्दों को गिफ्ट नहीं दिए जा चुके होंगे किसने नहीं दिए होंगे हम उसके बारे में नहीं जानते दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट पैसेबाजी इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस नंबर इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन कैसे होगी विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन गिफ्टेड

सो दूडेंट्स टॉपिक इज ओवर एंड दॉपिक ऑफ्टवाइ एंड टॉपिक जो था वो लास्ट टॉपिक था ये टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है इसका नाम क्या है फ्यूचर परफेक्टेंस का डायरेक्ट पेसिवाइज फ्यूचर भी सीखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे पिश, लेक्चर में जाकर प्लेयर इसके अंदर सर्च कर सकते हैं कि हमारा प्रीवियस लेक्चर क्या था हमने इसका डायरेक्ट पेसिवाइज पढ़ लिया है हमने इसकोट complete कर लिया है